शाम के 5:15 बज रहे हैं जकी भाई, अभी तक नींद में। जकी भाई और नींद का तो एक बहुत गहरा ताल्लुक है और एक बहुत पुराना ताल्लुक है, मगर अरसा हो गया यार। 1-to-1 हमारी बात हुई तो आखिरी दिन है 2020 का, बात तो होनी चाहिए ना यार। बाजीगर मैं बाजीगर। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर लोगों से आप पूछेंगे उनका 2020 कैसा गुजरा तो अक्सर यही जवाब आता है कि यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा। इसके मेनली इसकी एक वजह है क्योंकि वो अक्सर लोगों से ही सुन रहे होते हैं तो उनके जहन में भी ये परसेप्शन बैठ जाता है कि 2020 उनका अच्छा नहीं गुजरा। अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा 2020 कैसा गुजरा तो मैं भी यही कहूंगा कि मेरा 2020 भी अच्छा नहीं गुजरा। इसकी ये वजह नहीं है कि सब ये बोलते हैं, इसकी ये वजह है आपको ये लग रहा होगा कि भाई दिल विल टूट गया भाई, जमाने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। मेरे लिए इसलिए अच्छा साल नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार पर्सनल ग्रोथ पे जो है ना, मैं थोड़ा सा और काम कर सकता था इस साल पे। बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हो गया था मैं लोगों के इमोशंस के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। तो इस पे हम 2021 में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा काम करेंगे और इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। आगे बात करते हैं। जो मैं आपसे करना चाहता हूं आज वो ये है कि आज मैं आपको अपनी 2020 की अचीवमेंट बताऊंगा, मगर वो अचीवमेंट बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे 2021 में क्या अचीव करना है। एकेडमिक्स में नहीं, एकेडमिक्स में तो करना ही करना है, अपनी निजी जिंदगी में मुझे क्या अचीव करना है। देखिए कोई भी अगर कोई काम करता है ना तो वो किसी को देख के करता है कि यार ये बंदा है, अगर इसका 1% टैलेंट भी मेरे अंदर आ जाए ना यार, आह जबरदस्त सीन हो जाएगा। तो मैं वीडियोस बनाते हुए जो है ना 3 लोगों को देखता हूँ, एक उमर, उनसे मेरी दोस्ती है, एक मोमिन साकिब और एक और है, उनका नाम है दी अदर नवीद। दी अदर नवीद भाई से जो है ना मुझे 2021 में जो है ना दोस्ती करनी है, और ये मेरे लिए जो है ना एक अचीवमेंट से कम नहीं होगी। ये बात मेरे लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं होगी। नवीद भाई की अगर आप वीडियो देखें ना, अगर आप नवीद भाई की वीडियो देखें, आप वीडियो देख नहीं रहे होंगे, आप वीडियो के अंदर अपने आप को महसूस करेंगे कि आप सामने खड़े हो और 3D सीन चल रहा है आपके सामने। इतने मजे की वीडियो होती है। अगर आपको क्रिकेट का थोड़ा सा भी शौक है ना तो नवीद भाई के अंदर इतना टैलेंट है कि वो आपके शौक को इश्क में तब्दील कर सकते हैं। अगर भरोसा नहीं है, उनकी एक वीडियो है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, दी अदर नवीद DRPSL4। अगर आप जरा सी भी क्रिकेट देखते हैं और आपके दिल को आर पार नहीं की ना वो वीडियो, सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 2021 का जो गोल है ना, जो गोल है वो ये है कि भाई जान नवीद भाई हेलो आई एग्जिस्ट, ये 2021 का गोल है। अब सवाल उठता है कि 2020 में क्या अचीव किया था भाई, ये तो बता दे। ये बताता हूं मैं आपको, ठहर। ये जानने के लिए थोड़ी सी और लंबी सहनी पड़ेगी, और वो लंबी ये है कि आप भी मुझे ये बताएंगे कि आप 2021 में क्या अचीव करना चाहते हैं, 2020 आपका कैसा गुजरा और आपकी 2020 की क्या अचीवमेंट थी। आज की कमेंट स्कीम ही यही है। तो आज मुझे ये आप लोगों से सुनना है कि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने क्या क्या किया। अब मैं बताऊंगा आपको अपनी 2020 की अचीवमेंट। 3 साल पहले की बात है, छोटा सा बच्चा होता था मैं, इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल आई मेरे पास, उसके अक्रॉस में गया, वो प्रोफाइल थी उबैद अली राणा भाई की। ठीक है, मैंने एक गाना सुना मुझे अच्छा लगा, मैंने एक और गाना खोल के सुना मुझे और अच्छा लगा, मैंने तीसरा खोला वो भी मुझे जबरदस्त लगा, मैंने फॉलो कर लिया। अब मैं जब जब फ्री होता था मैं उनके गाने सुन लेता था। एक दिन मैं हद से ज्यादा फारिग था, मतलब जितना यूजुअली मैं फारिग होता हूँ ना उससे ज्यादा फारिग था। तो उस दिन मैंने सोचा आज बैठ के सारे गाने सुनते हैं। एक गाना सुना, 2 गाने सुने, 3 गाने सुने, 4, 5, 6, 7, 8, जब काफी ज्यादा गाने सुन लिए ना तो एक और गाना आया, उस गाने का नाम था आज जाने की जिद ना करो। अब ये गाना इतना स्पेशल क्यों और मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, ये गाना स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये गाना जो वो गा रहे थे ना, मैंने कैप्शन पढ़ा उस गाने का, लंबा चौड़ा कैप्शन था। अच्छा, उसके बाद मुझे पता चला कि ये गाना जो है ना ये अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गाया करते थे और उन बेस्ट फ्रेंड का जो है ना इंतकाल हो गया है तो ये उनकी मेमोरी में गा रहे हैं। अब 3 साल पहले छोटा सा बच्चा मैं बैठ के सोच रहा हूँ यार अगर मैं चला गया इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगा। 3 साल के बाद हो जाती है उबैद भाई और मेरी दोस्ती 2020 के अंदर। आप मुझे खुद बताएं ये किसी अचीवमेंट से कम बात है, खुद बताएं दिल पे हाथ रख के। उबैद भाई जो है ना हमारे एक बड़े टैलेंटेड सिंगर है, आप यूट्यूब पे उनका चैनल सर्च कर सकते हैं, अभी उन्होंने अपनी एक एल्बम भी रिलीज की है। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके भी दिल के आर पार हो जाए
तो आपने उनके तीन गाने सुनने, एक सुनना है सबसे पहले अल्लाह ही देगा, उसके बाद राही सुनना है, और तीसरा आज जाने की जिद ना करो सुनना है। ये तीन गाने आप सुन ले रात के 1-2-3 बजे बैठ के, ना दिल जीता ना दिल जीता। ये मेरे इतने टैलेंटेड दोस्तों में से एक हैं, बहुत सारे टैलेंटेड दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उबैद भाई मेरे इतने टैलेंटेड दोस्तों में से एक हैं कि एक तो उस्ताद भी हैं, बातचीत होती है यार, ये अचीवमेंट है मेरे लिए, ठीक है, ये मेरे लिए अचीवमेंट है। वो मेरे दोस्त हैं मगर मैं आज तक उनका जितना बड़ा फैन 3 साल पहले था, आज भी मैं उतना बड़ा फैन हूँ, और ये थैंक्स टू माई वीडियो मेकिंग करियर। अगर मैं वीडियोज नहीं बनाता तो शायद हमारी दोस्ती नहीं होती 2020 में। ये मेरी एक अचीवमेंट थी। मैं बात पता नहीं क्या कर रहा था, मैं भूल गया, मगर अगर आपने उबैद भाई के गाने नहीं सुने ना, तो आज आपने सुनना है, और आप याद से मुझे अपनी अचीवमेंट्स बताएं, मैंने भी सुनना है। हमारी अरसे से बात नहीं हुई, सिर्फ व्लॉगिंग ऐसा नहीं चल सकता। 16,000 सब्सक्राइबर्स हो गए क्या मतलब, बात नहीं करूंगा। ये गलत सोचा आपने, देखे मैं खुद आया आपके पास। अपना अपना ख्याल रखें, उम्मीद करते हैं आपका 2021 अच्छा गुजरे, और बस वीडियो को जो जो करते हैं वो कर दिएगा आप। अल्लाह हाफिज़। एक और बात, अगर आपकी 2020 में किसी एक ऐसे टैलेंटेड बंदे से दोस्ती हुई जिनको दुनिया नहीं जानती, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। दुनिया आज नहीं जानती, दुनिया कल जरूर जान लेगी, क्योंकि आप टैलेंट और आर्ट को बंद करके कहीं पिंजरे में नहीं डाल सकते, कहीं ना कहीं से दुनिया के सामने आ जाएगा। तो आप बेफिक्र रहे हैं, अगर ऐसा भी कुछ है तो आप मुझे जरूर बताएं, मुझे जानना है, सही बता रहा हूँ, वाकई में जानना है मैंने। ओके, मैं वीडियो एडिट कर रहा था, और एडिट करते करते मैं वीडियो देख भी रहा था, जाहिर सी बात है, तो वीडियो में एक चीज मिसिंग थी, और वो ये चीज थी कि मेरा और नवीद भाई का कंपैरिजन, जो कि बनता ही नहीं है। ठहरे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं हूँ, ये नवीद भाई है, ठीक है। आप सामने से आए, आपने बोला आप लोग जो है ना दोनों बीचेस पे जा रहे हो, और आप दोनों ने जो है ना व्लॉग करना है, मैं दोनों का व्लॉग देखूंगा। अब जो आपको जो व्लॉग में जो मेन डिफरेंस नजर आएगा ना, वो ये आएगा कि मैं तो आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ से हम जा रहे हैं, ये रास्ता है, ये एंजॉय किया हमने, ये मजा आया, ऐसे ऐसे आपके साथ भी होता होगा, ऐसे ऐसे मेरे साथ भी होता है, ये मेरा काम है, ठीक है। अब नवीद भाई का काम ये होगा कि नवीद भाई जो है ना, जब जा रहे होंगे, वो रास्ते की आपको सबसे पहले स्पेशलिटी बताएंगे कि क्या क्या ऐसा है इस रास्ते में जो आपको नहीं पता। आपको पता भी होगा, मगर वो ऐसे बताएंगे कि आपको नहीं पता वो बात। जब बीच पहुंचेंगे तब उसके अंदर कोई और सस्पेंस आ जाएगा कि आप जानने के लिए आप बोलोगे यार क्या होगा इसमें, होने क्या वाला है। ये मेन चीज है, और जिस दिन मैंने ये चीज सीख ली ना, दिस इज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग मुझे चाहिए। ये बहुत अच्छा है, ये नवीद भाई का बहुत अच्छा है, तो तभी मैं उनसे ग्रेटली इंस्पायर्ड हूँ, ये वजह है। अब ठीक है, अब हो गए, अब पोस्ट कर सकते हैं वीडियो। ओके।